हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रिवीजन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जो कि हम करेंगे अपने हैंडरिटन नोट्स से। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और इन नोट्स की मैं आपको खासियत बता दूं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स कवर है, साथ के साथ क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो भी कवर्ड है। और एक और चीज, क्वेश्चन में जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट आ जाती है जो कि आपका दिमाग खराब कर देती है, वो सारी एडजस्टमेंट पहले से ही कवर्ड है, जिससे कि एग्जाम के एक दिन पहले तो आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको इन नोट्स का रीडिंग मारना है, क्लियर। अब आप इन नोट्स में और वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो फटाफट से शेयर भी कर दो, दूसरों का भला कर दो। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं अपने ब्यूटीफुल कलरफुल हैंडरिटन नोट्स के साथ, और इंश्योरेंस क्लेम को भी आसान बनाते हैं। चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि अपन ने इंश्योरेंस कराया होगा और अब बारी है क्लेम मांगने की। अब वो क्लेम कितना मांगना है, यही कंप्यूट करना सीखेंगे अपन इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले अपन ब्रॉडली बात करें तो दो तरीके के पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट। पहला होगा फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक के केस में, और सेकंड होगा हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। अब इसका सिंपल मीनिंग देखें तो स्टॉक का हुआ है लॉस, और स्टॉक का लॉस कैसे कैसे हो सकता है। अब स्टॉक का लॉस कैसे कैसे हो सकता है, तो एक बार इसे रीड करेंगे। फायर से, यानी कि आग लगने से, और आप इतने सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उन सब के सब क्वेश्चंस में 99.99% हर किसी में स्टॉक का लॉस हुआ है ड्यू टू फायर, हर में आग लग गई, ठीक है। लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं स्टॉक में लॉस के, जैसे कि फ्लड, बाढ़ आ गई, थेफ्ट, चोरी हो गई, या फिर अर्थक्वेक। ये सारे रीजन होते हैं स्टॉक का लॉस होने के लिए। एक बार रीड करते हैं इसमें क्या लिखा था। बिजनेस एंटरप्राइजेस गेट इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक। बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, उन्हें पहले से पता होता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, कभी ना कभी आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। ये तो डर हम सबको रहता है, और उस डर को कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस गेट इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। वो सर्टेन इवेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जनरली कौन सा आएगा, फायर वाला। कमिट नहीं कर रही हूँ, बट जनरली बात कर रही हूँ कि अभी तक हमने जितने भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे हैं स्टडी मटेरियल के लिए, हर किसी में कैसा आता है, फायर वाला, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस की बात हुई तो क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। क्वेश्चन में जनरली मैंने आपको बता दिया कि कैसा आएगा, फायर वाला। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम, यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक हो गया ड्यू टू फायर, अब आपको क्लेम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, इस तरीके से एक हेडिंग डालेंगे, और फिर एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे सिंपल फॉर्मेट में, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। तो पर्टिकुलर में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अब देखो सिंपल सी बात है, हम लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, फायर में मतलब आग लगने की वजह से स्टॉक जल जाता है, फिर भी हम कुछ ना कुछ सामान बचा लेते हैं कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो वो तो हमारा लॉस हुआ नहीं, तो उसको हम कर देते हैं लेस, और वो जो सामान हम कैसे ना करके बचा लेते हैं उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। इसे प्रॉपर स्टॉक नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो जला ही होगा, तो इसे हम सिर्फ एक नाम देंगे, सेल्वेज वैल्यू, ठीक है।
और इसे लेस क्यों कर रहे हैं? लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सामान बच गया, तो सिंपल सी बात है इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम नहीं देगी, ठीक है, इसलिए हम इसे लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ये वही है, ये ऊपर अभी हमने जो सामान बचाया है तो ऐसे तो नहीं बचाया होगा कि आग में ऐसे ही कूद पड़े हम, कुछ ना कुछ तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी से जब अग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने बोला था कि अगर ऐसे करके आग लगेगी और आप कुछ फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस खर्च करोगे तो वो भी हम बेयर करेंगे, अगर वो ऐसा बोलते हैं कि हम उसका भी क्लेम देंगे तो आपको उसे ऐड करना है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि भाई तुम मरो तुम जानो हम कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नहीं देंगे तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपको फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का भी क्लेम देगी तो आप इसे ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेट लॉस। पहला जो टोटल स्टॉक पड़ा हुआ था आग लगने वाले दिन, उसमें से जो हमने सेल्वेज वैल्यू बचा ली, जो स्टॉक हमने जलने से बचा लिया, पूरा खत्म होने से बचा लिया, उसको कर देंगे लेस, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉस नहीं है, इसलिए हम कर देंगे लेस। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हो गए और इंश्योरेंस कंपनी बेयर करने के लिए तैयार भी है तो हम इसे कर देंगे ऐड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा नेट लॉस। अभी ये नेट लॉस आया, इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट नहीं हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम हम बाद में कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये रहा ये इंश्योरेंस क्लेम लास्ट में इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन ये अभी हम सीखेंगे नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, उसके लास्ट में हम सीखेंगे इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल लोड ना लो, पर बात ये है कि हम अभी नहीं करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या सीखा एक बार फिर से देखो। अभी हमने सबसे पहले ये देखा कि लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैसे हो सकता है, वो सारे तरीके देखे, और उसमें मैंने आपको बता दिया कि जनरली कैसे होता है, फायर से, हमारे क्वेश्चन में जनरली होता है फायर से। दूसरा मैंने बता दिया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है क्लेम कैलकुलेट करना, सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है तो क्लेम ही कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। तो वो क्लेम किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, अभी मैंने ये नहीं सिखाया इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो बाकी है, सिर्फ ये बताया है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, एक फॉर्मेट तैयार करके, और उसमें मैंने आपको नेट लॉस कैलकुलेट करना सिखा दिया। तो यहाँ तक हमारी बात पूरी हो गई, सिंपल, सेल्वेज वैल्यू लेस कर देनी है और फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर देने, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात सीखने वाली है, यहाँ पर जो हमने बोला था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कि आग लगने वाले दिन स्टॉक कितना है, तो वहां पर हम क्या देखेंगे, वहां पर हम ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सबसे पहले तो कॉस्ट लेनी है क्योंकि कुछ आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, ठीक है, वो स्टॉक वहां पर पड़ा हुआ था तो उसमें आग लग गई, अब आग लग गई, वो स्टॉक था 10 रुपए का, क्लियर, आप बोल रहे हो नहीं नहीं ये तो हम 15 रुपए का बेचते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 15 रुपए से क्यों देगी, भाई उसकी कॉस्ट बताओ ना, इंश्योरेंस कंपनी को बेच थोड़ी रहे हो कि अरे आग लगी है ये हमारा 10 रुपए की तो कॉस्ट थी लेकिन हम 15 में बेचते हैं तो आप हमें ना इसका 15 में दे दो, ऐसे नहीं होता है, तो कैसे मिलेगा 10 रुपए में, यानी कि उसकी हमेशा हमें क्या लेनी है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कि अवेलेबल है या तो आग लगी होगी शॉप में या तो आग लगी होगी गोडाउन में ऑन द डेट ऑफ फायर। तो हमको क्या देखना है, ये स्टार इसके लिए था कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपको कैसे देखना है कि जिस दिन आग लगी थी या तो शॉप में या तो गोडाउन में उस दिन वहां पर कौन से गुड्स अवेलेबल थे, कितने अवेलेबल थे और किस कॉस्ट पर अवेलेबल थे, कॉस्ट देखनी है सेलिंग प्राइस नहीं देखना है, ठीक है, और क्या देखना है, गुड्स अवेलेबल देखने, अवेलेबल का मतलब उस टाइम वहां पर कितने गुड्स थे, क्लियर। तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो आपकी मौज है, अगर नहीं गिवन है तो अपन एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्या नाम होता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब बात आती है कि मैम ये तो बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह लग रहा है, सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर इसका नाम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों, मेमोरेंडम नाम कहां से आ गया, खाली ट्रेडिंग अकाउंट भी तो लिख सकते थे, सेम टू सेम फॉर्मेट है, फिर ये क्यों लिखा, तो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड रुको, देखो
आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल मान लो 2023। एक सेकेंड, और ये आ गई आपकी 30 जून 2023, ठीक है। कितने मंथ्स हुए बताओ, 1 अप्रैल से 3 मंथ्स हो गए और यहाँ लग गई आग। अब बताओ आपको स्टॉक कब का चाहिए, 30 जून का, क्योंकि आग लगने वाले एक दिन का आपको स्टॉक जानना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी एट द एंड आपको क्लोजिंग स्टॉक पता चलेगा कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन स्टॉक कितना था, यही पता चलेगा आपको। पूरा अकाउंट बना के और बैलेंसिंग फिगर में ये डाल दोगे, यही पता लगेगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे वो कितने मंथ का बनाओगे, सिर्फ वो 3 मंथ का, 1 अप्रैल 2023 से लेके आग लगने तक का, सिंपल। तो उन 3 मंथ का अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोलते, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा बोलते हैं 1 अप्रैल, सिंपल फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023, यानी कि पूरे साल का, जब फुल ईयर का, फाइनल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पीरियड का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि रद्दी ट्रेडिंग अकाउंट। ये सिर्फ हम एवई बना रहे हैं, ठीक है। एवई का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टॉक जानने के लिए, और कोई पर्पज नहीं है हमारा इसका, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक जानने के लिए कि जलने वाले दिन स्टॉक कितना था, सिर्फ ये जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ये कोई फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर चीज को जानने के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रद्दी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रोफेशनल लैंग्वेज में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है ये कैसे होगा, ईयर स्टार्ट से लेके डेट ऑफ फायर। अब हमेशा ऐसे तो नहीं होगा ना कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, तो हमेशा 31 मार्च 2023 को ही आग लगेगी ताकि आपको पूरा फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो जाए। आपसे बोल दो कि नहीं भाई नहीं, अभी मतलब हमें पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं पूरे 12 मंथ का, ठीक है, उसी दिन हमें पता चलता है स्टॉक कितना है, तो आप 31 मार्च 2023 को ही लगना, ऐसे तो नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। आप तो कभी भी लग सकती है, आज 3 महीने 4 महीने 5 महीने, तो आपको उतना ही ट्रेडिंग अकाउंट, उसी पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन हम उसको फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोलते हैं। फॉर्मेट इसका सेम रहेगा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। ये तो बचपन में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे, पता होगा डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आता है। अब ये आएगा कहाँ से, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो वहीं से ले लेंगे सिंपल, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट होगी प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में से निकाल लेंगे और एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पर डायरेक्ट उसको लिख देंगे, क्लियर। तो ओपनिंग स्टॉक की तो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है डेबिट साइड, अच्छा इसमें एक एडजस्टमेंट आ सकती है। एडजस्टमेंट क्या आती है, जनरली एडजस्टमेंट यही आती है कि ओपनिंग स्टॉक आपको अंडर वैल्यू दे रखा होता है, यानी कि ऐसे करके 10% लोअर देन दी कॉस्ट, यानी कि अगर हम माने कि ओपनिंग स्टॉक 100 है तो उस पर 10% लोअर का मतलब क्या है कि अभी जो दे रखा है वो कितना है 90। जिसको बात ये समझ में नहीं आई एक और बार सुनो, ओपनिंग स्टॉक जनरली आपको दे रखा होगा अंडर वैल्यू, यानी कि जो उसकी वैल्यू है उससे कम दे रखा होगा, और एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होता है 10% लोअर देन दी कॉस्ट, यानी कि जो उसकी कॉस्ट है उससे 10% लेस है, उससे 10% लेस है। यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक 100 था वो 10% लेस है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक आपको जो अभी गिवन है वो कितना होगा 90। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन हो उसको ऊपर रखना, उसकी कॉस्ट को, वो दे रखा है आपको 90 पर, तो 90 से डिवाइड करना, और आपको किस पर चाहिए 100 पर, तो इनटू कर देना 100 से, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं आपको सारी वो एडजस्टमेंट डिस्कस कर रही हूँ जो भी क्वेश्चंस में आ सकती हैं, तो वो सारी एडजस्टमेंट हम पहले से डिस्कस कर ले रहे हैं। अच्छा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां भी करेंगे, वहां भी एक-एक डिस्कशन होगा, अच्छे से होगा। लेकिन अभी पहले से क्यों कर दे रहे हैं? ताकि हमें क्वेश्चन और आसान लगे। ठीक है, तो समझ में आ गया वाली बात। जनरली आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा अंडर वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है उससे कम, एग्जाम्पल के तौर पर 10% लेस, यानी कि अभी जो कॉस्ट दे रखी है वो 90 पर दे रखी है और हमें चाहिए 100 पर, तो हम कर देंगे इंटू 100। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परचेज। अरे यार, जब भी हाईलाइटर यूज करती हूँ पेन आ जाता है। परचेज भी इधर ही साइड आती है डेबिट। अब परचेज में कितनी तरीके की एडजस्टमेंट आ सकती है? परचेज में टोटल आती है 5 से 6 तरीके की। सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट आती है परचेज में, इसको ध्यान से समझिए। पहली क्या आएगी? पहली तो जैसे ओपनिंग स्टॉक में थी सेम टू सेम आएगी, अंडर वैल्यू वाली। यानी कि आपको परचेज कभी कभी कैसे दे रखा होगा? अंडर वैल्यू, जो उसकी कॉस्ट है उससे कम। जैसे कि लिख दिया होगा वैल्यूड एट 90%, यानी कि आपकी परचेज 90% पे वैल्यू है, लेकिन हमें तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए। तो अगेन हम क्या करेंगे? हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो कितने पे दे रखी है? 90 पर, तो 90 से कर देंगे डिवाइड। और हमें किस पे चाहिए? एक्चुअल पर, यानी कि 100, तो इंटू कर देंगे 100। देखो बात सेम ही है, पहले लिखा था 10% लोअर देन दी कॉस्ट, अब लिखा है वैल्यू डेट 90%, दोनों बात एक ही है। कॉस्ट 10% कम मतलब 90, और यहाँ तो बोल दिया डायरेक्ट 90, तो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज हो सकती है। आप पहले से देख लो, तैयार हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज हो सकती है, और ये दोनों बातें सेम है, एकदम सेम। क्लियर? अभी 80% पे भी हो सकती है, यहाँ बोल सकता है 80%, तो डिवाइड कर देना 80 से। यहाँ बोल सकता है 20% कम पर, यानी कि वही है, 100 में से 20 गए 80, तो यहाँ आ जाएगा 80। ठीक है, कैसी भी लैंग्वेज हो बात एक ही है, आप बस अच्छे से एक बार देख लेना, और उम्मीद है दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखें, सेकंड एडजस्टमेंट कैसे आ सकती है? गुड्स परचेज एंड रिसीव। गुड्स को हमने परचेज कर लिया, यानी कि हमारे नाम पे इनवॉइस बन चुका होगा, तभी वो बोल रहे हैं परचेज कर लिया। एंड रिसीव, वो हमें मिल भी चुके हैं, यानी कि हमारे गोडाउन हमारी शॉप में आ चुके हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड, ओमिशन हो गया। याद है आपको ओमिशन? कभी कभी एंट्री करना भूल जाता है, अकाउंटेंट अपनी मस्ती में चलता है, वो होता ना आग लगे चाहे बस्ती में, अकाउंटेंट रहता है मस्ती में, वही कर रहा है अकाउंटेंट, और बहुत मस्ती करी होगी अकाउंटेंट ने। देखना पूरे क्वेश्चन में ही उसने एडजस्टमेंट सारे अकाउंटेंट की वजह से हुई है, इतनी मस्ती करी है उसने, आग लगी कहाँ है और इसे अपनी मस्ती पे चढ़ रही है। अब सबसे पहले इसे बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज, क्योंकि परचेज हुई है और रिसीव भी हो गया है, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसको बोलेंगे हम अनरिकॉर्डेड परचेज। सिंपल सी बात है, अकाउंटेंट भूल गया परचेज को रिकॉर्ड करना, तो आप क्या करें? चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे ठीक करेगा और उसे प्लस कर देगा, सिंपल। क्लियर? पहले परचेज को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, कर देंगे, प्लस कर देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट, परचेज इनवॉइसेस हैड नॉट बीन रिसीव्ड दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। अब बोल रहे हैं कि हमने कुछ सामान मंगाया था, उसके अभी तक इनवॉइस नहीं बने, लेकिन वो सामान रिसीव्ड हो गया, लेकिन वो सामान रिसीव्ड हो गया। यहाँ बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा। देखो अगर हम लॉ की भाषा में बोले, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हमारे नाम पर इनवॉइस नहीं बने, यानी कि वो हम है ही नहीं, हम ओनर ही नहीं है उसके, लेकिन वो सामान तो आ गया ना, सामान तो रिसीव हो गया, तो हमारे गोडाउन में तो वो सामान होगा और आग लगने का खतरा उसको भी होगा। अब थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाऊं, ये वाली बात समझ में आई? इनवॉइस नहीं बने, हमारे नाम पर गुड्स नहीं है, लेकिन वो सामान रिसीव हो चुका, इसका मतलब कि वो सामान हमारे गोडाउन में, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ लेकिन गुड्स रिसीव्ड हो गए। अब एक बार मैं इधर जाऊं, यहाँ मैंने लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। हमें ये नहीं देखना परचेज हुआ है, सेल हुआ है, क्या हुआ है, हमें ये देखना है हमारे गोडाउन में क्या आग लगने वाले दिन वो गुड्स अवेलेबल थे। क्या हमारे गोडाउन में आग लगने वाले दिन वो गुड्स अवेलेबल थे?
तो सिंपल सी बात है, हमने ये गुड्स परचेज अभी हुए नहीं है, हमारे नाम पर हुए नहीं है, इनवॉइस नहीं आए, लेकिन हाँ ये गुड्स उस दिन अवेलेबल थे, गुड्स हैव बीन रिसीव, गुड्स अगर रिसीव हो गए तो अवेलेबल होंगे। तो अगर गुड्स अवेलेबल हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस सिंपल। तो समझ में आया, अगर लॉ की लैंग्वेज में देखें, अकाउंटिंग की नजर से देखें, तो ये आना नहीं चाहिए था परचेज में, लेकिन हमें देखना है इंश्योरेंस क्लेम और आग लगने वाले दिन स्टॉक अवेलेबल था या नहीं था। तो ये स्टॉक अवेलेबल था इसलिए हम इसे करेंगे प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ, मशीनरी या फिर कोई कैपिटल आइटम जैसे प्लांट वगैरह है, फर्नीचर इंक्लूडेड इन परचेज, ये हमारा फिर से हमारा अकाउंटेंट मस्ती में चला गया, इसको कैपिटल रेवेन्यू वाला चैप्टर तक नहीं आता, और ये क्या कर रहा है, कोई मशीनरी परचेज हो रही है तो ये परचेज में ऐड कर दे रहा है, कोई कैपिटल आइटम हम परचेज कर रहे हैं प्लांट वगैरह तो परचेज में ऐड कर रहा है, मतलब फुल मस्ती में। अब मुझे बताओ, क्या मशीनरी या फिर उस तरीके के कोई और कैपिटल आइटम परचेज में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आप सब लोगों ने तो कैपिटल रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो सिंपल, वो परचेज में नहीं आता क्योंकि उन गुड्स में हम डील तो थोड़ी करते। तो इसने वो क्या किया, इंक्लूड कर दिया है, सिंपल, हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको एडजस्टमेंट दिखा रही हूँ कि आपको प्लस करना है, माइनस करना है, क्यों करना है। ठीक है, वही सब। नेक्स्ट है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी हम सामान जो है पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे दुकान पर कुछ सामान है और हम उठा के घर ले आए, क्लियर, किसी दोस्त को गिफ्ट कर दिया, ऐसे करके हमने सामान निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब मुझे बताओ, ड्रॉइंग की एंट्री क्या बनती थी, बचपन में सीखा था ना, ड्रॉइंग्स की एंट्री बनती थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहाँ पे हमने सीखा था कि परचेज क्रेडिट भी होती है, कब क्रेडिट होती है, जब ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही है, सिंपल, जब ड्रॉइंग्स हो रही है। अब यहाँ पर बचपन में हमने सीखा था, ये परचेज की जगह सेल्स क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि दुकान से सामान जा रहा है और दुकान से सामान जाता है तो सेल होती है, लेकिन सिंपल सी बात है, ये घर के लिए सामान जा रहा है, हम लोगों के पर्सनल यूज के लिए सामान जा रहा है, तो इस पर हम कुछ कमा थोड़ी रहे हैं, इसी वजह से हम सेल नहीं लिखते, इसी वजह से हम सेल नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, परचेज, क्योंकि परचेज होती है, बोलो बोलो, क्योंकि परचेज होती है कॉस्ट प्राइस पर, और सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और घर के लिए, खुद के घर के लिए सामान लेके जा रहे हैं तो उस पर हम क्या प्रॉफिट कमाएंगे, इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लिखते थे, परचेज। ये तो आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में सीखा ही होगा कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज क्यों लिखते थे, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, और सेल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और खुद के सामान घर पर लेके जा रहे हो तो उस पर हम कुछ प्रॉफिट नहीं कमाते। ठीक है, अब इसकी एंट्री तो आपको बताइए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी कि परचेज हो रही है क्रेडिट, इसका मतलब माइनस, ड्रॉइंग क्या होती है, माइनस, तो माइनस करेंगे, लेकिन ध्यान देना माइनस किस पर करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए जान पूछ कर क्या करेगा, उसको सेल वैल्यू पर दे देगा कि ड्रॉइंग्स इतनी हुई है, और वो किस पर दे देगा, सेल वैल्यू पर। तो आप पहले ध्यान देना, सेल को कन्वर्ट करना कॉस्ट पर, कैसे करोगे, सेल वैल्यू में से जो भी जीपी का परसेंटेज होगा वो माइनस कर देना, तो वो आ जाएगा कॉस्ट पर। पहले आपको कन्वर्ट करना है सेल वैल्यू को कॉस्ट प्राइस पर, उसके बाद उस वैल्यू को माइनस कर देना परचेज में से। माइनस क्यों किया पता चल गया, क्योंकि ड्रॉइंग्स हो रही है तो परचेज क्रेडिट होगा, यानी कि माइनस, माइनस हो गया। कॉस्ट प्राइस पर क्यों किया ये भी समझ गया आपको, क्योंकि ड्रॉइंग्स घर के सामान के लिए हो रही है, उस पर हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाते। तो अगर क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश करना है तो आप घूमना मत, आप पहले सेल वैल्यू को कॉस्ट प्राइस पर कन्वर्ट करना, उसके बाद परचेज में से माइनस करना। ठीक है, ड्राइंग्स को समझाने के लिए मैंने बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो सेम टू सेम ट्रीटमेंट है। कौन सी एडजस्टमेंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर हमने कुछ सामान फ्री सैंपल के लिए बांट दिया, इसका मतलब क्या करा होगा हमने, इसकी एंट्री बताओ, इसकी एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। फ्री सैंपल बांट रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप अपने प्रोडक्ट का क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट, लेकिन क्या कुछ कमा रहे हो, नहीं, तो कमा नहीं रहे हो, इसलिए हमने क्रेडिट में सेल नहीं लिखा, क्या लिखा है, परचेज, क्योंकि परचेज अगेन किस पर होता है,
कॉस्ट पर, और सेल क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम गुड्स फ्री सैंपल बांट रहे हैं तो हम कुछ कमा नहीं रहे, इसलिए हम कॉस्ट पर लिखते हैं, इसी वजह से परचेज आ रहा है। तो सिंपल परचेज आ रहा है तो माइनस होगा। और अगेन अगर आपको क्वेश्चन घुमाए, फ्री सैंपल बोल दे कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और उसका सेल वैल्यू ये है, तो आप पहले क्या करना, सेल वैल्यू से कन्वर्ट करना कॉस्ट प्राइस पर, उसके बाद ही से माइनस करना। ड्रॉइंग्स और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का एकदम सेम ट्रीटमेंट होगा। ड्रॉइंग्स में मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया तो यहाँ पर उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन तो खाली है, आप पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, पूरा परचेज वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा, बहुत आसानी से हमने समझ लिया। बाकी तो क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जब तक हाथ नहीं चलेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक और अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सब क्लियर हो गया होगा। छह की छह एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली हमने, पहली थी वो वैल्यू वाली, 90 पर वैल्यू है, 100 पर करना है तो डिवाइड करेंगे 90 से इंटू 100। अनरिकॉर्डेड परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए तो प्लस कर दो। परचेज पूरी तरीके से हुई नहीं है क्योंकि इनवॉइस नहीं आया, लेकिन गुड्स आ गए, हमें तो गुड्स से मतलब है, गुड्स है कि नहीं है तो गुड्स हैं तो प्लस कर दो। फिर देखा था मशीनरी कैपिटल आइटम, पता नहीं क्यों डाल दिया उसने, जो कि नहीं डालना चाहिए था, तो माइनस कर दो। उसके बाद ड्रॉइंग्स और सैंपल वाले दोनों आइटम में क्या होता है, परचेज क्रेडिट, इसलिए परचेज को कर दिया माइनस, लेकिन ये होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो अगर बाई चांस क्वेश्चन ने दे रखा हो सेल पर तो कॉस्ट प्राइस पर कन्वर्ट करना, फिर माइनस करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन वेजेस पर। वेजेस हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं, ये आपको पता होगा। वेजेस में जनरली एक ही एडजस्टमेंट आती है, वो है वेजेस इंक्लूड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट। सिंपल सी बात मुझे बताओ, जब हम एसेट खरीदते हैं और उसमें खरीदते टाइम ही कुछ ना कुछ खर्चे करते हैं, ठीक है, जो इंस्टॉलेशन वगैरह चार्जेस होते हैं, किसी वर्कर से कराए और उसको वेजेस दिए, तो वो किसमें ऐड होते हैं, उन खर्चों को क्या करते हैं, उन खर्चों को हम करते हैं कैपिटलाइज। अगर मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, और उसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ वेजेस पे किए हैं, तो हम उसी में ऐड कर देते हैं। सपोज करो ये थी 10,000 की और ये थे 500, तो ये आ जाएगा 10,500, यानी कि वो एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज कर देते हैं और वो मशीन की कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं, यानी कि हम बोलेंगे मशीनरी कितने की आई है, 10,500 की, ठीक है। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने अगेन गलती कर दी, वो फिर अपनी मस्ती में था और उसने जो एक्सपेंसेस किए थे मशीनरी को इंस्टॉल करने में उसी टाइम पर, वो उसने वेजेस में इंक्लूड कर दिए, तो गलत किया है उसने, वेजेस में नहीं आने चाहिए, तो नहीं आने चाहिए, तो आप क्या कर दो, माइनस। उसने गलती से ऐड कर दिए, आप उसे ठीक करने के लिए क्या कर दो, माइनस कर दो, सिंपल। ये तो बहुत एडजस्टमेंट सिंपल है। अच्छा, इसमें पता है कभी कभी क्या बोलते हैं वो लोग, कभी कभी बोलते हैं हमने जो मशीनरी इंस्टॉल कराई थी और उसने जो वेजेस पे किए, वो वर्कर पता है हमारी फर्म का ही था। अरे मेरे भाई, वो फर्म का वर्कर हो, बाहर का वर्कर हो, कहीं का वर्कर हो, आपने उसे मशीनरी इंस्टॉल करने में, कोई एसेट इंस्टॉल करने के लिए वेजेस दिए है, तो वो उसी पर्टिकुलर एसेट में ही ऐड होगा, वेजेस में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो आपको कितना भी घुमाने की कोशिश करें, आप मत घूमना, हर बार यही बोल रही हूँ। कोई भी एसेट इंस्टॉल करी है और उसमें वेजेस दिए हैं, खुद के वर्कर के दिए, पड़ोसी के वर्कर को दिए, आपको वो वेजेस में नहीं इंक्लूड करने। अगर इंक्लूड कर दिए, एडजस्टमेंट दी है, तो आप उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, सिंपल हो गया। फाइनली जब सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इस तरीके के एक्सपेंसेस हम लिख देंगे, तो लास्ट हमारा डेबिट साइड आता है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। अब जीपी से रिलेटेड चार एडजस्टमेंट एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला वाला सिंपल, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन, इतना सिंपल, इतना सीधा होगा, आपको सीधा सीधा बोलेगा 25% सेल पर या 20% सेल पर, तो जो भी परसेंटेज दे रखी होगी वो आपको किस पर लगा देनी है, सेल पर, और आपका जीपी आ जाएगा। जैसे वो बोले 20% सेल पर है जीपी, तो जो भी आपको सेल हो उस सेल पर आप 20% इंटू करना, आपका जीपी आ जाएगा, क्लियर। अगर ऐसा नहीं हो तो सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन हमारे पास होती है सेल, तो हम किस पर लगाएंगे, सेल पर।
अब इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अगर आपको कॉस्ट पर गिवन हो तो आप उसको सेल पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए सिंपल है। अब देखो 25% क्या होता है, कैसे लिखेंगे 25% को, 25/100 यानी कि इसको बोल सकते हैं हम 1/4। अब अगर कॉस्ट पर आपको 1/4 देख रखा हो तो आपको बस एक प्लस करना है और वो आ जाएगा 1/5। अब 1/5 क्या होता है, 1/5 क्या होता है 20%, इसका मतलब वो 20% हो जाएगा सेल पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसा कंसेप्ट है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं तो उनको समझ में आ रहा होगा 11th में या 12th में, पर मोस्टली जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो उनके लिए मैं ये बात अलग से समझा दूं इधर ले जाके। इसके लिए मैं आप छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ पेंसिल का। मुझे ये बताना, आपके पास एक पेंसिल है अप्सरा की जो कि है 4 रुपए की, यानी कि वो 4 रुपए की आप खरीद कर लेके आते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 4 रुपए, और आप उस पर 1 रुपया कमाते हो तो कॉस्ट की भाषा में आप क्या बोलोगे कि 4 रुपए की मेरी पेंसिल की कॉस्ट है और उस पर मैं 1 रुपया कमाता हूं, क्या प्रॉफिट। अब मुझे आप ये बताओ 4 रुपए की आप खरीद कर ला रहे हो, 1 रुपया आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसकी सेल वैल्यू कितना होगा। सिंपल, सेल वैल्यू हुई उसकी 5 रुपए। अब मुझे आप सेल की भाषा में बताना कि आप एक पेंसिल जो कि 5 रुपए की बेच रहे हो आप उस पर कमा कितना रहे हो, मुझे बताओ उसका प्रॉफिट कितना है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा ना, प्रॉफिट तो यहाँ भी 1 रुपया रहेगा, बस बात दोनों में क्या डिफरेंट है। यहाँ पर हम वही बात बोल रहे हैं कॉस्ट की भाषा में और यहाँ हम वही बात बोल रहे हैं सेल की भाषा में। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि 4 रुपए की कॉस्ट थी 1 रुपए हम कमा रहे हैं, 4 रुपए की पेंसिल थी 1 रुपए हम कमा रहे हैं कॉस्ट की भाषा में। यहाँ बोल रहे हैं सेल की भाषा में कि 5 रुपए की बेच रहे हैं 1 रुपया कमा रहे हैं, 5 रुपए की बेच रहे हैं 1 रुपया कमा रहे हैं। इसका सिंपल मतलब है कि जब आपको कॉस्ट का सेल में कन्वर्ट करना हो तो आपको सिंपल करना है 1 प्लस, 1/4 का हो जाएगा 1/5। एक और एग्जाम्पल दू, अभी वाला आप सॉल्व करना, अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पर कितना होगा, 3 रुपए की पेंसिल है 1 रुपए कमा रहे हैं तो सेल कितना हो गया 4 और कमा कितना रहे 1। तो इस तरीके से भी आपको गिवन हो सकता है कि कॉस्ट पर जीपी होगा 33.33% तो उसका क्या होगा, तो आप समझ जाना कि सेल पर हो जाएगा 25%। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जीपी किस पर दे रखा है, सेल्स पर दे रखा है पहले वाले की तरह, तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट सेल पर लगा दो। लेकिन 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 अगर कॉस्ट पर दे रखा है तो पहले आपको कॉस्ट के सेल पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है सेल पर, उसके बाद ही सेल पर लगाना है। तो अगर 1/4 हो तो हो जाएगा 1/5, दैट इज 20% ऑन सेल। क्लियर। अब थर्ड, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि जीपी रेट ही गिवन ना हो, ना तो सेल पर गिवन हो और ना कॉस्ट पर गिवन हो, फिर क्या करेंगे, फिर आपको लास्ट ईयर का डेटा गिवन होगा, तो आप क्या करना, एक लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ये रहा। अच्छा, अब फुल ईयर का बनाओगे, आप फुल ईयर का बनाओगे तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, अब क्या नाम आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये पूरा होगा ईयर स्टार्ट यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च ईयर एंड तक। ठीक है, इसलिए इसका नाम होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर भी आप वही सारी चीजें डालोगे, सेम फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, यहाँ भी वही सारी चीजें डालोगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, जनरली वेजेस आता है इसलिए मैंने वेजेस लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर आएगा सेल, और इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ जीपी को छोड़ के, तो जीपी आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये तो अकाउंट हमेशा बोलता है, अगर पूरा अकाउंट कंप्लीट है एक चीज बाकी है तो वही बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। क्लियर, तो यहां से आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या करना, फिर यहीं पर आप जीपी, ये लास्ट ईयर का जीपी मिल जाएगा, लास्ट ईयर की आपके पास सेल भी होगी, अपॉन सेल
इनटू कर दोगे 100 से तो यहाँ पर आपको जीपी परसेंटेज में मिल जाएगा। और जैसे ही आपको जीपी परसेंटेज में मिल जाए तो आप इस साल की सेल में लगा देना, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि अगर आपको कोई भी जीपी रेट गिवन ना हो, ना ही सेल पर ना ही कॉस्ट पर, तो आपको क्या करना है, देन कैलकुलेट लास्ट ईयर जीपी रेट। और लास्ट ईयर की जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले करना लास्ट ईयर का जीपी कैलकुलेट, जो कि आप करोगे ट्रेडिंग अकाउंट से। और एक बार आपको जीपी मिल गया, जैसे यहाँ पर देखो मिल गया था, एक बार आपको मिल गया तो जीपी रेट कर लो। और जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, जीपी अपन सेल्स इनटू 100। और जैसी रेट आ जाए तो आप उसको सेल्स पर लगा देना और आपका जीपी आ जाएगा। सिंपल, क्लियर। अब कभी कभी क्या बोलते हैं, जैसे अभी आपने क्या किया, दोबारा से सुनना, अभी आपने क्या किया, जीपी कैलकुलेट किया और जीपी रेट कैलकुलेट आ गया, ठीक है, ये आया 20%। अब क्वेश्चन आपको बोल सकता है लास्ट ईयर जो जीपी रेट था, आपको ये नहीं बताएगा कितना था, वो तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना बोलेगा कि लास्ट ईयर जो भी जीपी रेट था इस साल उसका 5% एक्स्ट्रा है, इस साल उसका 5% एक्स्ट्रा। तो सिंपल, लास्ट ईयर का जीपी रेट आ जाएगा इधर 20%, और वो बोल रहा है 5% एक्स्ट्रा है, तो 5 ऐड कर दो, सिंपल 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर वो बोल रहा है लास्ट ईयर से कम है 5%, तो अगर आपका जीपी रेट 20% आया है तो 5% कम कर दो, 20% हो जाएगा, सॉरी 15% हो जाएगा, क्लियर। मतलब वो कुछ भी बोले, कोई भी एडजस्टमेंट बोले, या तो प्लस की या माइनस की, तो वो आप लास्ट ईयर का जीपी रेट कैलकुलेट करके प्लस या माइनस कर देना, क्लियर। तो इसके लिए मैंने क्या लिख रहा है, कैलकुलेट लास्ट ईयर जीपी रेट। अब लास्ट ईयर जीपी रेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, पहले लास्ट ईयर का जीपी कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसका रेट कैलकुलेट कर देंगे, और उसमें जो भी प्लस है या माइनस है अकॉर्डिंगली आप वो कर देना, देन प्लस और माइनस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हमारी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की पूरी तरीके से डेबिट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पहली चीज आती है हमारी सेल्स, ठीक। अब सेल्स से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकती है क्वेश्चन में, तो वही हम डिस्कस करेंगे। पहली, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स सोल्ड हो गए यानी कि सामने वाले बंदे के नाम पर इनवॉइस बन चुका है, साथ के साथ वो डिस्पैच भी हो चुके हैं, मतलब उनकी डिलीवरी भी कंप्लीट हो चुकी है, वो गुड्स उनके पास पहुंच चुके हैं, दैट मींस कि वो हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर सेल है, इनवॉइस भी बन चुका है और साथ के साथ डिस्पैच भी हो चुके हैं, बट हमारे अकाउंटेंट ने अगेन गलती क्या कर दी, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, उसे रिकॉर्ड नहीं किया, इसे क्या बोलेंगे हम, अनरिकॉर्डेड सेल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने अनरिकॉर्डेड परचेज भी पढ़ा था यहाँ पर, ये रहा, उसी तरीके से ये है हमारी अनरिकॉर्डेड सेल। अ सिंपल सी बात है, सेल हुई है लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो सिंपल आपको क्या करना है, उसे रिकॉर्ड कर लो, सेल्स में एड कर लो, तो इसका एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा सेल पर एड करना, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल थी वाली पहली वाली एडजस्टमेंट, सेकंड वाली देखो, इस पर ध्यान देना, सेल इंक्लूड गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच। सेल में इंक्लूड है कुछ, क्या इंक्लूड है, गुड्स सोल्ड। अब मैम अगर गुड्स सोल्ड कर दिए हैं तो वो सेल में आने ही चाहिए, सिंपल सी बात है, पर रुको ना, वो डिस्पैच नहीं हुए हैं। अब अकॉर्डिंग टू लॉ बोले, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जैसे बोला जाता है कि इररेस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, अगर इनवॉइस सामने वाले के नाम पर बन गया है तो वो सेल हो जाता है, और इसी वजह से हम एंट्री डाल देते हैं टू सेल, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कि सेल में आ जाता है। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं है, यहाँ हमें देखना है कि क्या वो गुड्स वहां पर है या नहीं। तो ये वाले गुड्स गोडाउन में है, क्यों है, क्योंकि ये डिस्पैच नहीं हुए। अगर ये डिस्पैच नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो गोडाउन में होंगे। तो अगर अकाउंटिंग के नजरिए से देखा जाए, लॉ के नजरिए से देखा जाए, तो वो सेल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही वो सेल है, वो बिल्कुल सेल है, बचपन से पढ़ते आए हैं यार, इनवॉइस बन गया तो वो सेल हो गई, सेल है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस दिन आग लगी उस दिन वो सामान वहां पर था या नहीं था,
तो वो सामान वहां पर अवेलेबल था। इसका मतलब इंश्योरेंस क्लेम के नजरिए से देखा जाए तो वो सेल नहीं हुई, इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस सेल। समझ में आ गया, सेल है ये सच बात है, लेकिन हम ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करने के लिए देख रहे हैं कि वो सेल नहीं है, इसलिए मान कर चल रहे, ठीक है, इसलिए हमने माइनस कर दिया सेल ताकि वो स्टॉक में झलक जाए, क्लियर। इसलिए ऐसे सेल में से हम हटा दे रहे हैं। समझ में आ गया नहीं वाला? पहला वाला प्लस क्यों करा था? क्योंकि वो सोल्ड भी हो गए, डिस्पैच भी हो गए, मेन है डिस्पैच, सामान चला गया, ठीक है, और अगर सामान चला गया तो वो सेल्स में हम ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से सामान गया तो वो सेल में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम मेन क्या देखते हैं, सामान आया या गया, ये नहीं देखते सेल हुई या परचेज हुई। तो सेल में हमेशा देखेंगे सामान जाए, अगर सामान गया तो सेल है, अगर नहीं गया तो सेल नहीं है। तो यहाँ पर डिस्पैच हो गया था तो हमने सेल मान लिया, और यहाँ पर नहीं हुआ तो हमने नहीं माना, क्लियर। थर्ड, सेल इंक्लूड गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अब इसे ध्यान से सुनना, जिस जिसको सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट आता होगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसे नहीं आता उसे दिक्कत आएगी, इसलिए 2 मिनट रुकना, मैं पहले आपको सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब बता देती हूँ। अलग पेन से बता दूं, पिंक पेन, ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल का बेसिस है, हमने सामने वाले को सामान दिया, अब वो 2-3 दिन में, 4-5 दिन में जो भी टर्म्स होंगे वो कहेगा कि हाँ मुझे पसंद आया, मैंने रख लिया, तो वो हो जाएगा अप्रूव्ड। और दूसरा काम हो सकता है वो कहेगा नहीं मुझे पसंद नहीं आया, आप इसे वापस ले लो, रिटर्न कर दो, जो भी स्पेस पे टाइम होगा या फिर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे बोलेंगे नॉट अप्रूव। यानी कि अप्रूवल मिल भी सकता है और अप्रूवल नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, फिर देखते हैं कि मम्मी को पसंद आएगी कि नहीं, ठीक है, फिटिंग सही आएगी नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम क्या सामान क्या खरीद लेते हैं, नहीं, हम यूँ कहते हैं हम अप्रूवल देंगे आपको, ठीक है, 2-3 दिन जो भी हमारी सेलर से बात होती है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। यानी कि अगर अप्रूवल मिलेगा तो वो सेल मानी जाएगी, अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो उसे सेल नहीं मानेंगे। तो सिंपल, आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट सीख गए, जिसको नहीं आता था वो यहाँ पर सीख गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमने किसी को सामान दे दिया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर, तो सेलर एंट्री क्या मारेगा? अप्रूवल मिला या नहीं मिला वो तो बात की बात है, लेकिन अभी मेरे यहाँ से सामान गए तो मुझे कुछ ना कुछ तो एंट्री मारनी पड़ेगी, ताकि उस कस्टमर का नाम यहाँ याद रखूं। पता चला अभी एक बंदा आया, 3 शर्ट लेके चला गया, कि मैं दिखा के आता हूँ घर वालों को, 2-3 दिन में आपको बताता हूँ, वो भी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कर गया। फिर ऐसे दूसरा बंदा आया, ऐसे करते करते बहुत लोग आ सकते हैं 2-3 दिन में, तो हमें उनका नाम तो याद रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। अब दिक्कत है एंट्री पास क्या करें, दिक्कत है कि एंट्री पास क्या करें, तो हम एंट्री सिंपल पास करते हैं वही जो सेल में पास करते हैं, यानी कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। अरे मैम अप्रूवल तो अभी मिला नहीं, आपने डायरेक्ट कर दिया? हाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम याद रखने के लिए, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में ही पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं समराइज्ड वे में बता दे रही हूँ कि अप्रूवल मिला होता है नहीं मिला होता है, लेकिन जैसे ही हमने वो सामान सामने वाले को दे दिया होता है, यानी कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जब हमने किया होता है, तो हम जो एंट्री पास करते हैं वो सेम टू सेम सेल वाली करते हैं, ठीक है। तो अब देखो जब अप्रूवल मिल जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, तो कोई एंट्री पास ही नहीं करनी, नो एंट्री, जब अप्रूवल मिल जाएगा तो नो एंट्री। लेकिन अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो वो सेल तो हुई नहीं, तब यहाँ पर हम उल्टी एंट्री पास कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, यानी कि सेल को डेबिट कर देते हैं, दैट मीन सेल में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब सामान बाहर गया था तो अभी अप्रूवल नॉट अप्रूवल कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सामान
बाहर गया है और उस कस्टमर का नाम याद रखने के लिए हम डाल देते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सामने वाले ने अगर अप्रूवल दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल वाली एंट्री डाल चुके हैं, तो कोई एंट्री नहीं पास करनी। दिक्कत जब आएगी जब सामने वाले ने अप्रूवल नहीं दिया, तो फिर जो हमने ऑलरेडी उसकी सेल की एंट्री डाली होगी उसको हम रिवर्स कर देंगे सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, यानी कि हम सिंपल सेल में से माइनस कर देंगे, सेल को डेबिट कर देंगे, यानी कि सेल में कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब समझ में आ गया होगा क्लियरली? ठीक है, अब मैं इसको हटा दूं पहले इस कॉन्सेप्ट को, या पहले आगे की बात भी समझा देती हूँ। तो देखो, अब क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि कुछ गुड्स जो है वो अप्रूव्ड नहीं हुए, कुछ गुड्स जो है वो अप्रूव्ड नहीं हुए। तो सिंपल सी बात है, आपको उन्हीं गुड्स की रिवर्स एंट्री पास करनी है, यानी कि उन्हीं गुड्स को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है सेल में से। और वो आपको वैल्यू खुद बता देगा, बस ध्यान ये रखना वो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, सेल वैल्यू। क्योंकि जब आपने एंट्री पास करी होगी तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, और सेल का मतलब कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। तो जब आप रिवर्स एंट्री मारोगे तब भी तो वही होगा, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी गुड्स अप्रूव्ड नहीं हुए होंगे इसका मतलब वो सेल नहीं है, तो आप वो सेल में से माइनस कर देना। ठीक है, और ध्यान रखना वो सेल वैल्यू ही होनी चाहिए, अगर कॉस्ट पे दे रखी है तो आपको सेल कन्वर्ट करना है, लेकिन वो सेल पर ही होनी चाहिए। ठीक है, और कन्वर्ट करना तो मुझे पता है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, प्रॉफिट ही आता है बस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल वैल्यू। तो समझ गए, इसे इरेज कर दूं पूरे को। जो अप्रूव हो गए हैं उसकी तो एंट्री हमें कोई जरूरत ही नहीं है पास करने की, ऑलरेडी पास है, बस यहाँ पर हमें ध्यान देना है जो अप्रूव नहीं हुए। तो जो अप्रूव नहीं हुए उसको आप सिंपल क्या करो, सेल में से माइनस कर दो, क्योंकि वो सेल हुई नहीं है। ठीक है, तो वहां पर टोटल आपको गुड्स दे रखे होंगे, लेकिन आपको सिर्फ उन गुड्स की वैल्यू माइनस करनी है जो कि अप्रूव नहीं हुए। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा पूरा सेल वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ तीन एडजस्टमेंट आती है इसमें जनरली, और मैंने तीनों की तीनों समझा दी। पहली क्या थी, अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं करी है तो सिंपल सी बात है भाई, वो सेल है, डिस्पैच्ड हो गए हैं गुड्स, तो उसको रिकॉर्ड कर दो, प्लस कर दो। और दूसरे वाली, सेल तो हुई है लेकिन डिस्पैच नहीं हुए, यानी कि वैसे तो सेल है लेकिन हम नहीं मानेंगे सेल है, क्योंकि हमें देखना इंश्योरेंस क्लेम के नजरिए से, हमें देखना आग लगने वाले दिन वो गुड्स थे कि नहीं थे, तो वो हमारे पास ही थे, तो उसका मतलब सेल हम नहीं मानेंगे उसे। थर्ड, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जिसका अप्रूवल नहीं आया है, जिसका अप्रूवल आ गया उसकी तो एंट्री पास ही नहीं करनी, वो तो ऑलरेडी सेल में होगा। जिसका अप्रूवल नहीं आया है उसको आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है, यानी कि सेल को करना है डेबिट, दैट इज सेल में से करना है माइनस, ध्यान देना है कि वो सेल वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? अब एक और बात ध्यान से सुनना मेरी, मुझे बताओ, अभी अभी हमने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, अब ये बंदा था, ये एक दो तीन शर्ट ले गया। ठीक है, क्लियर, तीनों शर्ट इसके पास है। ठीक है ना, जिसमें से कि इसने एक शर्ट का अप्रूवल दे दिया है, बाकी जो दो शर्ट्स है उसका इसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, अभी तक इसने अप्रूवल नहीं दिया। ठीक है, अब पहली वाली शर्ट जो है, ये पहली वाली शर्ट, इसका तो इसने अप्रूवल दे दिया, तो ये तो सेल हो गई, ये तो सेल हो गई, और हमने तीनों शर्ट का ऑलरेडी सेल में डाल दिया होगा, यानी कि ये सेल आई गई होगी ऑलरेडी, तो इसकी तो हमें कोई एंट्री पास ही नहीं करनी। ठीक है, बाकी की जो दो शर्ट्स हैं इसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया है, अभी की अगर हम बात करें, जो भी हम जिस पीरियड में काम कर रहे हैं उसमें अभी तक इसका अप्रूवल नहीं आया, इसका मतलब ये सेल नहीं है, तो ये सेल नहीं है, तो सेल को हमने डेबिट कर दिया, और बोल सकते हैं सेल को हमने माइनस कर दिया सेल वैल्यू से, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया। लेकिन 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 मुझे ये बताओ, ये दो शर्ट जिसका उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अप्रूवल नहीं दिया तो ये सेल नहीं है, तो सेल में से माइनस कर दो, सेल को डेबिट कर दो, लेकिन क्या ये गुड्स हमारे पास हैं? मुझे आपसे ये जानना है, क्या ये गुड्स हमारे पास हैं? मैम नहीं, ये तो गलत है, गुड्स तो तीनों के तीनों उसी के पास है अभी तक,
एक का उसने अप्रूवल दे दिया तो वो सेल में है, तो उसकी तो हमने एंट्री पास नहीं करी। दो शेड जो है ये अभी तक उसके पास है, ये हमारी सेल तो नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये हमारे पास भी नहीं है, तो हमने सेल में से तो माइनस कर दिया, लेकिन ये गुड्स हमारे पास नहीं है, ये गुड्स हमारे पास नहीं है, यानी कि गुड्स बाहर ही है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखेंगे। ऐसे होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड मतलब आना और क्रेडिट साइड मतलब जाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आना जाना। वैसे एक नॉमिनल अकाउंट होता है, अलग तरीके से बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये बताओ ये गुड्स हमारे पास है कि नहीं? नहीं, ये किसके पास है? गुड्स विद द कस्टमर्स, ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जिसका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, यानी कि नॉट येट अप्रूव्ड। अगर वो अप्रूव्ड नहीं हुए हैं तो वो सेल तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, लेकिन ये अभी तक कस्टमर्स के पास है, कस्टमर्स के पास है, ठीक है। अब ये कस्टमर के पास है और हमारी सेल नहीं हुई है, इसका मतलब कि हमने इस पर प्रॉफिट नहीं कमाया, हम इसे सेल नहीं बोल सकते, लेकिन ये कस्टमर के पास है, हमारे पास नहीं है, तो कस्टमर के पास है तो हमें इसे करना पड़ेगा क्रेडिट, ठीक है। और क्रेडिट किससे करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। सेल से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने इस पर कुछ कमाया नहीं है अभी तक, अभी तक की बात कर रहे हैं, अभी हमने कुछ नहीं कमाया क्योंकि उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। अगर अप्रूवल दे देते तो हम इसको सेल वैल्यू पर ही लिखते, फिर तो सेल में ही होता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऑलरेडी सेल में ही था। ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बहुत हाई लेवल की बातें चल रही है ये वाली, क्योंकि इसमें एक तो ये छोटी सी एडजस्टमेंट लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर यूज हुआ है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अगर ये आपको समझ में आई है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक बता देना, और अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी लिख देना, ठीक है। एक बार लास्ट बार समराइज कर दूं इसे। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस यानी कि हमने सामान सामने वाले को दिया है, तो हमने उसको तीन शर्ट दी है, एक शर्ट और दो शर्ट, तीनों की तीनों शर्ट उसके पास है। एक शर्ट का उसने अप्रूवल दे दिया है तो वो सेल में होगा, तो सेल में तो तीनों ही है, तो इसकी एंट्री पास ही नहीं करनी, क्योंकि हम सेल में तीनों एंट्री डाल, तीनों शर्ट की डाल देते हैं, तो इसकी एंट्री नहीं पास करनी। लेकिन ये जो दो शर्ट है ये कैसी है? नॉट येट अप्रूव्ड। अगर वो अप्रूव्ड नहीं हुई है तो वो सेल नहीं है, और सेल नहीं है तो सेल में से कर देंगे माइनस। लेकिन बात ये है कि वो अप्रूव नहीं हुई है तो सेल में तो नहीं है, लेकिन वो अभी तक कस्टमर के पास है, इसी वजह से हमें ट्रेडिंग अकाउंट को करना पड़ रहा है क्रेडिट, और क्रेडिट कर रहे हैं लेकिन सेल वैल्यू से नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस पे प्रॉफिट नहीं कमाया। प्रॉफिट कब कमाते हैं? जब हम सेल कर देते हैं तब, और सेल कब होगा? जब वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा होगा, मैंने तीन तीन बार बता दिया है, फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खाली है, जरूर अपना फीडबैक या फिर डाउट दे देना, ठीक है। लास्ट लास्ट ही है बस ये, हाँ लास्ट, बस बस आप थको नहीं, लास्ट है बिल्कुल। बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट का आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फाउंडेशन में आई गेस, वहां पर क्या होता है, हम अपने गुड्स दे देते हैं, तो जो गुड्स देता है उस बंदे का नाम होता है कंसाइनर, और जिसको देता है वो होता है कंसाइन। अब सिंपल सी बात है, कंसाइनर अपने गुड्स कंसाइनी को क्यों दे रहा है? सेल करने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। तो कंसाइनी उसको बेचता है, तो हमने कुछ गुड्स इसको दे रखे है, ठीक। तो मुझे ये बताओ, अब ये सेल नहीं हुए, क्वेश्चन आपसे बोलेगा गुड्स हमने दिए कंसाइनी को, वो सेल नहीं हुए, अगर सेल हो गए होते तो वो सेल में आई जाते, लेकिन वो सेल नहीं हुए। अब वो सेल नहीं हुए हैं तो वो सेल्स में नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है, गुड्स हमारे पास हैं क्या? नहीं, गुड्स किसके पास है? कंसाइनी के पास, तो हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास नहीं है यानी कि गुड्स हैं बाहर, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना, प्राइस कौन सी लिखनी है? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कंसाइनी को गुड्स दिए अभी बिके नहीं है, बिके होते तो सेल वैल्यू पे आते सेल्स में, लेकिन बिके नहीं है,
और वो हमारे पास भी नहीं है। अगर हमारे पास बुक्स नहीं है, हमारे यहाँ से चले गए हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा क्रेडिट और उस पर हमने अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो उसको लिखेंगे कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो ध्यान रखना सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भी आएगा कॉस्ट प्राइस पर, गुड्स सेंड टू कंसाइनी भी आएगा कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि दोनों में से दोनों कोई भी चीज हमारे पास अभी तक सेल नहीं हुआ है, हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, लेकिन वो सामान हमारे पास नहीं है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये बात। लास्ट आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, और इसमें आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। बाकी सारी चीजें अगर आपने डेबिट क्रेडिट की कंप्लीट कर दी है तो आपको बस करना है टोटल ऐसे करके, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आए वो आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। और यही वाला स्टॉक आपको कहाँ लिखना है, ये रहा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, यहाँ पर लिखना है सेल्वेज वैल्यू आपको गिवन होगी, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस गिवन होंगे, जो कि आपको तभी लिखने हैं जब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि हम ये बेयर करेंगे, आपको इसका क्लेम देंगे, तभी ये लिखना है। ठीक है, तो ये गिवन और ये आ जाएगा आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मैंने पूरा का पूरा समझा दिया, इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट आ सकती थी सब मैंने ऑलरेडी बता दी है, ताकि आप बिल्कुल क्वेश्चन करते समय घबराओ नहीं। अच्छा, अभी आप ये घबरा सकते हो कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी सारी एडजस्टमेंट आ सकती है क्या, परचेज में 6 एडजस्टमेंट, इसमें इतनी एडजस्टमेंट, क्या इतनी सारी एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में नहीं आती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 2 या 3 एडजस्टमेंट आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। तो इतना घबराना नहीं कि सारे जितने मैंने लिखवाए हैं सारे के सारे एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 एडजस्टमेंट या 3-4, बस इतने, इससे ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना, आपको सब कुछ आसानी लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट था ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि मैं समझा ही चुकी हूँ, सारी चीजें आपको लिखनी है। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों हम लास्ट ईयर का, ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करें। कुछ क्वेश्चन भले इंसान होते हैं उसमें डायरेक्ट जीपी दे रखा होता है, डायरेक्ट जीपी रेट दे रखा होता है, तो हम जीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं होते भले, तो हम जीपी के लिए बनाते हैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसलिए बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब आया है हमारा इंश्योरेंस क्लेम। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इंश्योरेंस क्लेम वाला मैं अलग से बताऊंगी, ये वाला स्टार्टिंग में मैंने जो इंश्योरेंस क्लेम के लिए स्टेटमेंट क्रिएट करवाया था, मैंने यहाँ पे बोला था कि इंश्योरेंस क्लेम में अलग से आपको समझाऊंगी कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इंश्योरेंस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा फुल इंश्योरेंस और एक होता है अंडर इंश्योरेंस। सबसे पहले बात करते हैं फुल इंश्योरेंस की। जब हमने इंश्योरेंस पूरा करा रखा होता है तो उसको बोलते हैं फुल इंश्योरेंस, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तब बात करते हैं इसका क्लेम कैसे मिलेगा, क्या पूरा अमाउंट मिलेगा या कम मिलेगा। तो सिंपल देखो, अगर हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट है 50,000, तो हमने इंश्योरेंस कितना करा रखा है 50,000, लेकिन 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 हमारा लॉस सिर्फ और सिर्फ 40,000 हुआ है, अब मुझे बताओ कितना मिलना चाहिए। हमने इंश्योरेंस करा रखा है 50,000, लेकिन हमारा लॉस सिर्फ और सिर्फ हुआ है 45,000, तो हमें जो क्लेम मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 45,000। ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर वो पूरा देने लग गए तो ऐसे तो फालतू की आग लगाना शुरू कर देंगे लोग, फिर तो इंश्योरेंस कम सट्टा बाजार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमेशा कैसा मिलेगा, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये वाला, तो फुल इंश्योरेंस इसका क्वेश्चन बिल्कुल 1% आता है, इसमें से क्वेश्चन जनरली आता ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देते हैं 1% की। क्लियर, और सिंपल है इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट और नेट लॉस विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो आएगा। ठीक, अब बात करते हैं हमारे अंडर इंश्योरेंस की, क्योंकि ये है मोस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडर इंश्योरेंस के आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अंडर इंश्योरेंस क्या होता है। नाम से तो समझ गए होंगे, फुल इंश्योरेंस का मतलब होता है जब हमने पूरा करा रखा होता है इंश्योरेंस, तो अंडर इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, जब हमने
पूरा इंश्योरेंस नहीं कराया होता। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जब आग लगी थी उस दिन स्टॉक कितना था 10,000, ठीक है। जब आग लगी थी उस दिन स्टॉक कितना था 10,000, तो जनरली सी बात है कि हमें पूरा इंश्योरेंस कराना चाहिए था, दैट इज 10,000। लेकिन हमने जो इंश्योरेंस करा रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 करा रखा है। कितना? 5,000। ठीक है, तो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट कितना है? 5,000। स्टॉक जलने वाले दिन रखा हुआ था 10,000, लेकिन हमने इंश्योरेंस कितना करा रखा है? सिर्फ और सिर्फ 5,000। इसी को बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। इसी को बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस, जब हमने अपना इंश्योरेंस पूरा नहीं कराया होता। स्टॉक कितना था 10,000 और इंश्योरेंस कितना करा रखा है? 5,000। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। क्लियर है ना? अब मुझे बताओ स्टॉक कितना था 10,000 एट द टाइम ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर, ऐसे करके बोलते हैं। उसके बाद इसी तरीके से स्टेटमेंट क्रिएट करते थे हम। उसके बाद हम माइनस करते थे सेल्वेज वैल्यू, क्योंकि 10,000 पूरा का पूरा लॉस तो हुआ नहीं है। सेल्वेज वैल्यू कितना है? 6,000। यानी कि हमारा जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 4,000। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बताना कि लॉस हुआ है 4,000 और इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट है वो है 5,000। लॉस हुआ है 4,000 और इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है 5,000, तो क्या सीधा का सीधा 5,000 में से 4,000 दे दें या नहीं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। लॉस हुआ है 4,000 और इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है 5,000, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरे के पूरे 4,000 दे देगी? अब जिस जिसने बोला है हाँ, वो बिल्कुल 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 गलत है। ऐसा क्यों? मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये बताओ, आपने आग में जलने के लिए स्टॉक छोड़ रखा है 10,000, लेकिन आपने इंश्योरेंस करा रखा है सिर्फ और सिर्फ 5,000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने तो कहा होगा कि पूरा इंश्योरेंस करा लो, फुल इंश्योरेंस करा लो, लेकिन आपने कैसा करा लिया? अंडर इंश्योरेंस, जितना स्टॉक रखा था उससे कम इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, तो स्टॉक जलने के लिए छोड़ रखा है 10,000 और आपने इंश्योरेंस करा रखा है 5,000, इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ कितना करा रखा है? हाफ इंश्योरेंस, आपने सिर्फ और सिर्फ हाफ रिस्क बेयर करा है। ठीक है, तो हाफ जो रिस्क है वो बेयर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, और हाफ रिस्क कौन बेयर करेगा? सिंपल सी बात है, आप करोगे, जो भी फर्म जो भी कंपनी होगी वो। ठीक है, या बोल सकते हो हम, अगर हम कंपनी माने तो हमने इंश्योरेंस करा रखा है 5,000 का 10,000 के स्टॉक के लिए, इसका मतलब है हमने सिर्फ और सिर्फ हाफ इंश्योरेंस करा रखा है, तो हाफ का ही बेयर करेगी रिस्क और बाकी का हाफ कौन करेगा? हम। ठीक है, इसी वजह से रेशियो निकालते हैं। तो अब मुझे बताओ, रेशियो आ गया, कंपनी कितना बेयर करेगी? हाफ। अब नेट लॉस कितना हुआ? 4,000, तो 4,000 का सिर्फ और सिर्फ 2,000 बेयर करेगी इंश्योरेंस कंपनी और 2,000 कौन बेयर करेगा? हम लोग। क्लियर? इसी से फॉर्मूला आ जाता है। देखो 10,000 क्या था? स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, तो नीचे आ जाएगा स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, यानी कि हमने जलने के लिए कितना स्टॉक छोड़ दिया। ऊपर क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, जलने के लिए स्टॉक 10,000 छोड़ दिया है लेकिन हमने इंश्योरेंस कराया है सिर्फ और सिर्फ 5,000, इंटू हो जाएगा नेट लॉस, क्योंकि पहले यहाँ से रेशियो निकल आएगा कि इंश्योरेंस कंपनी कितना बेयर करेगी और नेट लॉस का उतना वो बेयर कर लेगी। क्लियर? अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। और यही है वो, क्या है ये? यही है वो जिससे बच्चे परेशान होते हैं, यही है एवरेज क्लॉज। जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता, बोलते हैं एवरेज क्लॉज पता नहीं क्या है। अरे यही है एवरेज क्लॉज, कुछ नहीं है। आपने 10,000 के स्टॉक के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,000 कराया है, तो इंश्योरेंस कंपनी का रेशियो हो जाएगा हाफ, वो सिर्फ हाफ बेयर करेगी, और किसका करेगी? जो भी नेट लॉस है उसका। तो वही तो है हमारा फॉर्मूला। अब देखो यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं एवरेज क्लॉज।
पहले जलने के लिए स्टॉक कितना छोड़ रखा है, स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। ऊपर लिखेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट, इससे पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी किस रेशियो में बेयर करेगी, क्या बेयर करना है, नेट लॉस, जो आपका नेट लॉस हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एवरेज क्लॉज, इसी को बोलते हैं एवरेज क्लॉज। और एवरेज क्लॉज कब लगेगा, जब भी अंडर इंश्योरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस होगा तभी तो हमें पता करना है कि किस रेशियो में इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, क्लियर। अच्छा, इसके एक और नाम होते हैं, वो देख लो फटाफट। स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, जलने वाले दिन स्टॉक कितना रखा था, मतलब हमने जलने के लिए स्टॉक कितना रख रखा था, उसका दूसरा नाम होता है इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू नाम से समझ में आ रहा है, इंश्योरेबल मतलब इतना इंश्योर हो सकता था, हमारे एग्जाम्पल में 10,000 जो स्टॉक था वो इंश्योर हो सकता था, इंश्योरेबल वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमने कितना इंश्योर कराया, सिर्फ और सिर्फ 5,000, तो वो हो जाएगा इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड का मतलब इंश्योर हो चुका है, तो 10,000 था हमारा इंश्योरेबल वैल्यू, ये इंश्योर्ड हो सकता था लेकिन हमने इंश्योर्ड एक्चुअली कितना कराया, इंश्योर एक्चुअली कितना कराया, इसको बोलेंगे इंश्योर्ड वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू इंश्योर्ड हो चुकी है, एक्चुअली इतना इंश्योर्ड कराया है, और कराना कितना चाहिए था, हो कितना सकता था, 10,000, और कराया कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5,000, ठीक है। इसलिए इसके एक नाम होते हैं, लेकिन आप जब भी एग्जाम में लिखो तो ये वाले नाम मत यूज करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, एग्जाम की ऑलरेडी एंग्जाइटी बहुत रहती है, ऊपर से आप इंश्योर्ड इंश्योरेबल वैल्यू इसमें कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं नहीं चाहती आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। आप क्या लिखना है, यही वाला, और सारे क्वेश्चन में मैंने एक ही प्रेजेंटेशन फॉलो करी है, एक ही नाम फॉलो करा है, वो यही है, स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, और ऊपर लिखेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट इनटू करेंगे नेट लॉस, ठीक है। तो बार बार मैं एक ही नाम इसलिए यूज कर सकती हूँ, करती हूँ सारे क्वेश्चंस में, ताकि आपके वो दिमाग में बैठ जाए और कंफ्यूज ना हो 10 चीजों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज क्लॉज आपको समझ में आ गया अच्छे से। बार बार स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, अंडर इंश्योरेंस आ गया, एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन बोलता है ना एवरेज क्लॉज लगा के इसे सॉल्व करो, एवरेज क्लॉज लगा के क्लेम कैलकुलेट करो, तो बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। तो यही है एवरेज क्लॉज और कुछ नहीं है, ये जो हमने अभी समझा, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर इनटू नेट लॉस, ठीक है। तो कंपनी कैसे बोलेगी, आपने स्टॉक निकाला होगा 25,000, और वो बोलेगी कि इंश्योरेंस करा रखा है सिर्फ 15,000, तो आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट कम है और जो स्टॉक जलने के लिए छोड़ दिया वो ज्यादा है, तो वहीं पर आप समझना ना कि ये अंडर इंश्योरेंस है। अब वहां पर अगर बोला हो नहीं बोला हो कि एवरेज क्लॉज करना है नहीं करना, फिर भी आपको एवरेज क्लॉज ही फॉलो करना है, जहां भी अंडर इंश्योरेंस की बात होगी वहां पर एवरेज क्लॉज ही फॉलो होगा, चाहे क्वेश्चन स्पेसिफाई करे या ना करे, ठीक है, समझ में आ गया। अंडर इंश्योरेंस की बात होगी यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट कम होगा, तब तब जब जब इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कम होगा तब तब एवरेज क्लॉज ही फॉलो होगा। तो यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस क्लेम वाला टॉपिक पूरी तरीके से हो गया है कंप्लीट। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल लेक्चर में बोला था कि इंश्योरेंस क्लेम हम लास्ट में सीखेंगे, ये फाइनली हमने सीख लिया। यहाँ पर आप लिख दिया करना स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, ऊपर आ जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, और दूसरा नाम क्या था, इंश्योर्ड वैल्यू, और नीचे वाले का इंश्योरेबल वैल्यू इनटू नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस आपका यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर। स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर आपका यहाँ से मिल जाएगा, और इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो जब तीनों चीजें हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेट लॉस, और फाइनली आपकी पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों चीजें सीख ली हमने, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, यहाँ पे पहला चाहिए होता है स्टॉक, और स्टॉक के लिए अपन को बनाना होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अगर जीपी का फंस गया, अगर जीपी डायरेक्ट नहीं दे रखा हो, तो जीपी के लिए हमको बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो बस तीन चीजें आपको आनी चाहिए, आपका इंश्योरेंस क्लेम के कोई भी क्वेश्चन हो आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर।
अब एक लास्ट टॉपिक आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला सेपरेशन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल आइटम तो सबको पता होगा, जो नॉर्मली सेल कर रहे हैं वो आइटम्स हो गए नॉर्मल। बात करते हैं एबनॉर्मल आइटम क्या होते हैं। एबनॉर्मल आइटम तो वो आइटम जो कि नॉर्मल नहीं होते। अब इसमें क्या है, तो वो आइटम जो नॉर्मल सेल प्राइस पर सेल नहीं होते, लिख लो चाहो तो आप लोग भी हिंदी में, वो आइटम जो नॉर्मल सेल प्राइस पर सेल नहीं होते। जनरली ये कैसे होते हैं, जो भी नॉर्मल सेल प्राइस होती है उससे कम में सेल होते हैं, उससे कम में सेल होते हैं। ठीक है, अब होते क्या है, ये कुछ नहीं, एक स्लो मूविंग आइटम होते हैं, आउट ऑफ फैशन स्लो मूविंग आइटम, यानी कि बहुत धीरे धीरे निकलते हैं अपने गोडाउन से, बहुत धीरे धीरे बिकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, जनरली जो नॉर्मल प्राइस होती है उससे कम में बेच कर फटाफट निकाल देते हैं, ताकि आइटम कैसे भी करके बिक जाए, इसलिए इसको नाम दिया गया है एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, नाम देख लिए इसके, स्लो मूविंग आइटम। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इधर आ जाओ फटाफट। सबसे पहले इसमें दो पीरियड ऑफ डेटा दे रखे होंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, पहला 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2021। ठीक है, फिर ये 31 मार्च 2021 इसी को अपन बोलेंगे 1 अप्रैल 2022, और सपोज कि जो आग लगी है वो लगी है 26 जून 2022। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दो पीरियड ऑफ डेटा दे रखा होगा। दो पीरियड ऑफ डेटा का मतलब है एक ईयर स्टार्ट से लेके आग लगने तक, ठीक है, ये होगी हमारी डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो एक पीरियड ऑफ डेटा ये हो गया आपका, और जो पहला पीरियड ऑफ डेटा होगा वो कैसा दे रखा होगा, वो सिंपल प्रीवियस ईयर का डेटा। ठीक है, तो दो पीरियड ऑफ डेटा समझे, एक कौन सा है प्रीवियस ईयर का, यानी कि फुल जो फाइनल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और सेकेंड पीरियड ऑफ डेटा कौन सा है, 1 अप्रैल से आग लगने तक का, ईयर स्टार्ट से डेट ऑफ फायर तक का। ठीक है, तो दो पीरियड ऑफ डेटा है। अब दो पीरियड ऑफ डेटा है तो आप समझ गए होंगे कि दो दो ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे, एक ही वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा प्रीवियस ईयर का, और एक ईयर स्टार्ट से आग लगने तक का। और मैंने आपको बता दिया है ये पूरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, तो इसको हम फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसको डिनोट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन सिर्फ ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बन रहा है, ताकि हम कोई पर्टिकुलर चीज कैलकुलेट कर सकें, सिर्फ इसके लिए बन रहा है। फाइनल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, तो इसको अपन बोलेंगे रद्दी ट्रेडिंग अकाउंट, और अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फाइनल ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए तो उसको बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या आएंगे, दो पीरियड ऑफ डेटा, तो दो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा वो अलग पेन से लिखती हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले बोलेगा कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये वाला 31 मार्च 2021, बोलेगा 31 मार्च 2021 जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें जब हमने उसे कैलकुलेट किया था, जब हमने उसे वैल्यू किया था, तब उसमें हमने 1000 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे। ठीक है, 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग स्टॉक है 9000, लेकिन इसमें हमने जब हमने इसे वैल्यू किया तब हमने इसमें 1000 रुपए राइट ऑफ कर दिए। सिंपल सी बात, इसमें से इन्होंने 1000 रुपए माइनस कर कर फिर लिखा है 9000। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे 1000 रुपए हमने क्यों राइट ऑफ किए हैं, क्योंकि एक स्लो मूविंग आइटम है, एक स्लो मूविंग आइटम है। अब स्लो मूविंग आइटम का मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या ये,
ये है एक नॉर्मल सॉरी एबनॉर्मल आइटम जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में कम में बिकता है, ठीक है, ताकि ये कैसे भी करके हम गोडाउन में से सामान निकाल सकें, इसलिए हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम में बेचते हैं। तो बोलते हैं एक स्लो मूविंग आइटम है, इसकी वजह से हमने 1,000 रुपये राइट ऑफ कर दिए थे प्रीवियस ईयर के क्लोथिंग स्टॉक में। और वो जो स्लो मूविंग आइटम है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी आपको बता दी जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट है वो है 3,000, ठीक है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 3,000। उसके बाद बोलेगा नेक्स्ट पेन निकालू ग्रीन। उसके बाद बोलेगा ये वाला जो ईयर है कौन सा, सेकंड पीरियड 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से आग लगने तक यानी कि 26 जून 2022, इस पीरियड में जो सेल हुई है उसमें एक सेल हुई थी ये स्लो मूविंग आइटम की। तो स्लो मूविंग आइटम जो टोटल था वो 3,000 था, लेकिन जो सेल हुई है उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1,500, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1,500। अच्छा ये क्लियरली शो तो हो रहा है ना, मैंने बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आया, एक स्लो मूविंग आइटम जिसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 3,000 वो इस वाले पीरियड में बिका है, तो यानी कि इस वाले पीरियड की सेल में होगा, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 1,500 लेकिन वो बिका कैसे, लॉस में। जनरली मैंने आपको बताया ये वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम में बिकता है, तो वो लॉस में बिका है और लॉस कितने का हुआ है 500। तो यहां पर मुझे उसका सेल वैल्यू कोई बता सकता है? कोई अलग पेन ही नहीं है, पेंसिल से करती हूँ। क्या मुझे उसकी कोई सेल वैल्यू बता सकता है? बोलो बोलो। एक स्लो मूविंग आइटम है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 3,000, लेकिन वो 3,000 पूरा का पूरा नहीं बिका, उसमें से सिर्फ एक पार्ट जिसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 1,500 वो बिका है 500 के लॉस में। तो कॉस्ट थी 1,500, 500 के लॉस में बिका है। सिंपल सी बात, मेरे पास कोई चीज है 1,500 की और उसमें मैं 500 के लॉस में बेच रही हूँ, तो मेरी सेल वैल्यू कितनी होगी, 1,000। सिंपल, तो 1,000 उसकी सेल वैल्यू हो गई, यानी कि इस साल की सेल में 1,000 का जो होगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल आइटम, ठीक है। और अभी ऊपर जो 3,000 थे उसमें से अभी भी 1,500 का आइटम क्या है, बचा रखा है ना अभी तक, वो भी बिका तो नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ गए क्या कह रही हूं मैं, दोबारा देखो। 31 मार्च 2021 यानी कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो दिख रहा है 9,000 का, लेकिन उसमें 1,000 हमने कर दिए राइट ऑफ। क्यों कर दिए राइट ऑफ, क्योंकि एक स्लो मूविंग आइटम था, इसी वजह से। वो स्लो मूविंग आइटम की एक्चुअल कॉस्ट थी 3,000, जिसमें से कि एक पोर्शन जो कि 1,500 की एक्चुअल कॉस्ट थी वो लॉस पे बिका है 500 का, यानी कि उसका सेल वैल्यू होगा 1,000। और ये जो अभी 1,500 बाकी है बैलेंस वो अभी भी बचा हुआ है, वो सेल नहीं हुआ, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा होगा सेकेंड पीरियड ऑफ डेटा के, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो देखो ज्यादा से ज्यादा तीन ही चीजें बनती हैं, क्या क्या, कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, इसका सिंपल फॉर्मेट था पर्टिकुलर अमाउंट। तो इसमें आप क्या लिखते हो, स्टार्टिंग करते हो आप स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसके बाद वही करते हो सेल्वेज वैल्यू, ऐसे करके नेट लॉस निकालते हो, फिर यहाँ पर जाके इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करते हो, ठीक है। वो सबकी बात की बात है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे आपको चाहिए होता है जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, यानी कि 26 जून 2022 को स्टॉक कितना था। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप एक वर्किंग नोट क्रिएट करोगे। वर्किंग नोट में क्या होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया, कब से कब तक का बनेगा, ईयर स्टार्ट से डेट ऑफ फायर, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून, 30 से 26 है जो भी मैंने रखी हो, 26 जून 2022, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कैसे लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट हो जाएगा। जनरली हम कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर्स नॉर्मल पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में क्या है, एबनॉर्मल आइटम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइटम्स को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एबनॉर्मल आइटम और नॉर्मल आइटम।
एबनॉर्मल आइटम और नॉर्मल आइटम, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसे ही होंगी। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते हैं, परचेज, फिर कोई एक्सपेंसेस हो तो वो, और लास्ट में जीपी। इधर लिखते हैं सेल और क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कब का आएगा, आग लगने वाले दिन का, यानी कि 26 जून 2022। और ये क्यों बना रहे हैं पता है ना, ताकि ये स्टॉक यहां से आकर यहां पर लिख जाए, ठीक है, इसलिए बना रहे। तो ये तो आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। बाकी की बात करते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक में आता है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। हेलो, अब जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2022 का। और ये होगा क्या, इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सेकंड वर्किंग नोट हमारा कौन सा बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे ईयर का बनेगा, ठीक है। ईयर स्टार्ट यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2021, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का सारा आपको डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, उसकी आपकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे दे रखा होगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, वो दे रखा होगा। सेल गिवन होगी सीधे के सीधे, बस आपको क्या करना है, जीपी और क्लोजिंग स्टॉक, इन दो चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। जीपी जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। जब सारे आइटम्स पूरे हो जाएंगे तो जीपी जो आएगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, और जीपी ही आपको यहां पर काम आएगा, ठीक है। बाकी बात करें क्लोजिंग स्टॉक की, तो उन्होंने बोला था कि जब हम लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे तो हमने 1000 उसमें राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है। तो हमने लिखा कितना होगा, 9000, और उसमें 1000 हमने राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ का मतलब होता है कम करना। अब हम उन्हें एक्चुअल कॉस्ट पे लाएंगे, अब हम उसे एक्चुअल कॉस्ट पे लाएंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट पे लाने के लिए हमने जो पहले कर दिया था माइनस कर दिया था, अब हम उसे प्लस कर देंगे तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी 10000। तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 10000। तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ही होता है इस साल का ओपनिंग स्टॉक, यानी कि कितना हो गया, 10000। तो टोटल स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 10000। 9000 पर हमने वैल्यू किया था, 1000 रुपए हमने राइट ऑफ किया था, इसका मतलब उसकी टोटल एक्चुअल कॉस्ट थी 10000। क्लियर इस बात से, तो हमने उसको पूरा टोटल कर लिया। अब हम इसे आराम से बाइफरगेट कर सकते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम में, ठीक है। उन्होंने नॉर्मल आइटम की अपन को वैल्यू नहीं गिवन थी, लेकिन एबनॉर्मल की गिवन थी, कितना, कि जो स्लो मूविंग आइटम है उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 3000। तो अगर 10000 टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, 3000 एबनॉर्मल है, इसका मतलब सिंपल 7000 हो जाएगा हमारा नॉर्मल आइटम, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन होगा परचेज। ये मैं पूरा आपको क्वेश्चन की तरह सॉल्व करा रही हूँ, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से, आराम से, आसानी से उसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन होगी परचेज। परचेज में बताया नहीं होगा कि नॉर्मल है एबनॉर्मल, तो आप उसको पूरा नॉर्मल अज्यूम करेंगे, कोई एबनॉर्मल नहीं, और वो पूरा आ जाएगा टोटल में, ठीक है। उसके बाद वेजेस गिवन होंगे तो वो भी आपके नॉर्मल में आ जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं सेल की। उन्होंने बोला था सेकंड पीरियड ऑफ डेटा में, ये वाला जो सेकंड पीरियड ऑफ डेटा था, इसमें वही आइटम सेल हुआ था, वही आइटम मतलब वही एबनॉर्मल वाला, और वो पूरा नहीं बिका था। 3000 की उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ 1500 की जो वैल्यू थी, वो 3000 उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन बिका था जो कि 1500 का था, लेकिन वो 1500 से ज्यादा में नहीं बिका था, बल्कि 500 कम में बिका था, यानी कि उसकी सेल वैल्यू थी 1000, ठीक है। तो उसकी सेल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 1000, क्लियर। टोटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जो भी क्वेश्चन में सेल गिवन होगी उसमें से आप एबनॉर्मल माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, टोटल आपको सेल गिवन होगी क्वेश्चन में, ये रही, इसमें से आप 1000 माइनस कर देना एबनॉर्मल वाली, तो आपकी आ जाएगी नॉर्मल, ठीक है।
क्लियर। और अब यहाँ पर ध्यान देना प्रॉफिट और लॉस पर। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है प्रॉफिट और लॉस पर। फिर से मैं बता दूँ हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को, इसको हम स्टेप्स में अगर बांटें तो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में हमने राइट ऑफ वाला पार्ट प्लस किया और उसे एक्चुअल कॉस्ट पे ले आए। प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही होता है इस साल का ओपनिंग स्टॉक। तो सेकेंड स्टेप में हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया एबनॉर्मल आइटम वाला। उसके बाद थर्ड काम किया हमने सेल पे, सेल को भी बायफरगेट कर दिया। सेल हमने कैसे पता कर ली, एक्चुअल कॉस्ट थी सेल, सेल वाले गुड की 1500, उस 500 लॉस पर था, बाकी का हो गया हमारा सेल वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर फोर की। स्टेप नंबर फोर में हम ध्यान देंगे जीपी पर। यहाँ जो जीपी आएगा वो ध्यान देना, जीपी आपको जो भी दे रखा होगा 20% 25% 30% वो सारा का सारा नॉर्मल आइटम का ही होता है जीपी। ठीक है, और नहीं दे रखा होगा तो हम कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से। ये हमने प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्यों है, यहाँ से कर लेंगे। ये जब सारे आइटम्स कंप्लीट ही हो गए तो इसे हम बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेंगे, और इससे हम रेट भी निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला बताओ, थोड़े टाइम पहले ही बताया है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी यहाँ से आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से, सेल ऑलरेडी गिवन थी, इंटू 100 करेंगे रेट आ जाएगी। जो भी रेट आएगी इसकी 20% 30%, मान लो 20% आ गई तो 20% हम यहाँ लिख देंगे। अब ये ध्यान देना 20% जब आप लगाओ तो ये कौन सी सेल्स पर लगाओगे, ये लगाओगे आप ये वाली नॉर्मल सेल पर। ठीक है, इस पर लगाओगे, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ नॉर्मल सेल्स इंटू 100। नॉर्मल पर क्यों लगाइए, सिंपल सी बात है, एबनॉर्मल सेल पर तो हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ बल्कि लॉस हो गया, तो एबनॉर्मल सेल पर लगाएंगे ही क्यों, नॉर्मल सेल पर लगाएंगे, नॉर्मल आइटम की सेल पर लगा लेंगे। एबनॉर्मल पर को कुछ फायदा हुआ ही नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो यही जीपी हमारा टोटल जीपी आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर फोर हो गया। स्टेप नंबर फाइव में हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर हम फाइव में लिखेंगे यहाँ का लॉस। जब नॉर्मल आइटम का हमने प्रॉफिट लिख दिया तो एबनॉर्मल आइटम का लॉस तो लिखते हैं, तो किसमें आएगा, यहाँ पर। कितने का लॉस हुआ था, 500 का, तो यहाँ जाएगी। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दोनों का आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। देखो इसके आइटम सारे दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, प्रॉफिट, सब कुछ प्लस कर देना टोटल, और सेल में से माइनस कर देना, तो ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, नेक्स्ट एबनॉर्मल आइटम का भी आपको ऐसे ही करना है, ओपनिंग स्टॉक दे ही रखा होगा, बाकी का कुछ तो है ही नहीं है ये सब, तो आप माइनस कर देना ये, और ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टोटल वाला ऑप्शन आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो नहीं बनाओ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप बनाओ, क्योंकि जो अपन को यहाँ पर स्टॉक चाहिए, जो अपन को यहाँ पर स्टॉक चाहिए कि आग लगने वाले दिन हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था, उसमें दोनों आते हैं, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल का भी चाहिए और एबनॉर्मल का भी चाहिए, इन दोनों का प्लस ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चाहो तो आप प्लस करके भी दोनों यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो टोटल का पूरा डेटा लेना, फिर इधर का सारा टोटल का डेटा लिखना, और फिर इसे बैलेंसिंग फिगर में डाल देना। ये तो भाई आप इतना अकाउंटिंग तो जानते हो कि इन दोनों, इसका क्लोजिंग स्टॉक प्लस का क्लोजिंग स्टॉक टोटल आ जाएगा, या तो ये कर लो या फिर पूरा का पूरा जैसे बैलेंसिंग फिगर करते हो वैसे कर लो। ठीक है, पूरा मैंने आपको समझा दिया, हमने क्या किया था, स्टेप नंबर फाइव में लॉस लिखा था और स्टेप नंबर सिक्स में क्लोजिंग स्टॉक। बस एक छोटी सी चीज बतानी है, बहुत छोटी सी, कि ये जो आपने एबनॉर्मल आइटम, ध्यान देना प्लीज, ये जो आपने एबनॉर्मल आइटम बैलेंसिंग फिगर में लिखा है, ये चाहो तो आप एक अलग तरीके से निकाल सकते हो। वो कैसे, कि देखो एक्चुअल कॉस्ट थी 3000, उसमें से कि एक पोर्शन था 1500 का, तो दूसरा पोर्शन भी कितने का हो गया, 1500 का। ये तो बहुत सिंपल है, बैलेंसिंग फिगर की बात कर रहे हैं। 1500 का जो कॉस्ट थी वो हमने 500 के लॉस पर सेल किया था। मैम कितनी बार बताओगे, जितनी बार मैं बता सकती हूँ उतनी बार मैं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है और सब लोग गलती कर आते हैं, इसलिए दोबारा दोबारा सुनो। 3000 का एक पोर्शन जिसकी कॉस्ट थी 1500, लॉस पर बिका था 500, तो उसका सेल वैल्यू कितना हो गया, 1000।
तो हमने इसका लॉस भी लिख लिया, सेल वैल्यू भी लिख दिया यहाँ पर, ये रहा, सेल भी लिख दी थी, लॉस भी लिख दिया था। अब मुझे बताओ बाकी का 1500 अगर बिका नहीं है तो ये क्या होगा? सिंपल सी बात है, बिका नहीं है तो ये क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा होगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, ये रहा यहाँ पर आ जाएगा 1500। ठीक है, तो 1500 चाहो तो आप बैलेंसिंग फिगर में कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, 3000 का टोटल था और 1500 में से माइनस 1500 आ जाएगा, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। ठीक है, पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया और आपको ये भी बता दिया कि एग्जाम में आएगा तो आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टॉक जानना है तो उसके लिए आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सारा काम करके, और आपको जीपी नहीं दे रखा होगा तो आप जीपी लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, लास्ट में बस दो छोटी छोटी चीजें और बतानी है मुझे, उसके बाद आज की क्लास बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन लगा लेना, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल। बस दो क्वेश्चन बताने हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमने प्लस क्यों किया, ये जो राइट ऑफ वाला पार्ट था वो हमने ऐड क्यों किया, वो किस लिए ऐड किया? देखो हमें प्रीवियस ईयर का जीपी नहीं दे रखा था इसलिए हमें ये वाला जीपी निकालना पड़ा। ठीक है, और ये जो जीपी है वो हमें क्या निकालना है, रेट जो निकालनी है, ये जो जीपी है उसकी जो हमें रेट निकालनी है वो निकालनी है नॉर्मल वाली, नॉर्मल सेल की जीपी रेट, नॉर्मल सेल की जीपी रेट। इससे तो मानते हो कि नहीं कि यहाँ पर हमें जीपी रेट नहीं दे रखी इसलिए हमें जीपी कैलकुलेट करके जीपी रेट निकालनी है प्रीवियस ईयर की। तो ये हम जो निकालेंगे जीपी रेट वो किस लिए निकाल रहे हैं, ताकि हम अपनी नॉर्मल सेल पर लगा पाए। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर हर चीज तो नॉर्मल है, ओपनिंग स्टॉक भी नॉर्मल है, परचेज भी नॉर्मल है, वेजेस भी नॉर्मल है, सेल भी नॉर्मल है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर जो कि था क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि उन्होंने बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक हमने वैल्यू किया 9000 में क्योंकि इसमें एक एबनॉर्मल आइटम था जिसकी वजह से हमने 1000 रुपए कम कर दिए। तो अब मुझे ये बताओ ये नॉर्मल है कि नहीं, नहीं है, इसलिए इस एबनॉर्मल को नॉर्मल बनाने के लिए हमने इसमें 1000 रुपए प्लस कर दिए ताकि हमें एक्चुअल कॉस्ट मिल जाए टोटल स्टॉक की। और अब हमने सब नॉर्मल बना ही दिया है तो ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर जीपी निकल कर आएगा वो भी नॉर्मल सेल का आएगा। ठीक है, अच्छा मैम आपने ये तो बता दिया कि हम राइट ऑफ वाले पार्ट को ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि सब चीजें नॉर्मल बनाने के लिए और इससे हमारी नॉर्मल जीपी रेट निकल आए और वो जो पूरा टोटल स्टॉक है वो एक्चुअल कॉस्ट पे आ जाए। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये सब कुछ नॉर्मल करना था, एक्चुअल कॉस्ट करनी थी, तो ये जो हमारा अकाउंटेंट है इसने राइट ऑफ किया ही क्यों था, राइट ऑफ क्यों किया, इसने राइट ऑफ किया तो इसका भी रीजन है, क्या लॉजिक है इसका? सिंपल सी बात, आपने पढ़ा होगा AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो बोलता है जब भी आप इन्वेंट्री को वैल्यू करो तो आप दो चीजों पर ध्यान देना, कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, कुछ भी बोलो, विच एवर इज लोअर, जो कम हो उस पर। अब जब हम ये 10,000 वाला स्टॉक 10,000 में वैल्यू कर रहे थे तब हमें ध्यान दिया कि अरे जब इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, ये किसने ध्यान दिया, ये आपके अकाउंटेंट ने, तो अकाउंटेंट ने ऐसी नशे में नहीं कर दिया राइट ऑफ 1000 रुपए, उसने ध्यान दिया होगा कि जब वो 31 मार्च 2021 को इन्वेंट्री वैल्यू कर रहा था, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा था, तब उसने ध्यान दिया होगा कि ये 10,000 है लेकिन इस 10,000 जो एक्चुअल कॉस्ट है वो टोटल है, नॉर्मल की भी एबनॉर्मल की भी, इसमें एक स्लो मूविंग आइटम है, तो उसको पता था कि मार्केट में उसकी एनआरवी इतनी नहीं है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इतनी नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ कम करके लिखना पड़ेगा, उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, वो उसे एक्चुअल कॉस्ट पर नहीं लिख सकता क्योंकि AS2 बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो कम है, और उस टाइम उसकी एनआरवी कम थी क्योंकि वो एक स्लो मूविंग आइटम था, तो वो बाहर जब बिकेगा वो कम कॉस्ट में बिकेगा, तो वो उसे एक्चुअल कॉस्ट में नहीं लिख सकता था, इसी वजह से यहाँ पर उसने 10,000 की जगह क्या लिखा है, 9,000, क्योंकि उस स्लो मूविंग आइटम पे उसने 1000 रुपए कम करके लिखे।
ठीक है, इसलिए उसने राइट ऑफ किया था ताकि वो जो सही वैल्यू कर पाए एनआरवी पर। और आपने देखा भी कि वो 1000 रुपए एक तरीके से लॉस पर ही बिक रहा है। पांच कितना था टोटल, 3000, उसके दो उसने करे 1500 1500, और इस पर 500 का लॉस हो गया, ये बिक गया। और हो सकता है आगे जाके इस पर भी 500 का लॉस हो जाए, ठीक है। तो वो उस समय से, उस पीरियड के टाइम से वो देखता है कि क्या कम है, कॉस्ट या एनआरवी। अगर एनआरवी कम होती है तो वो उस पर कुछ ना कुछ आइटम राइट ऑफ करके उसको कम लिख करता है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए था एक्चुअल कॉस्ट पर, हमें चाहिए था नॉर्मल जीपी रेट, इसी वजह से हमने वो राइट ऑफ वाला पार्ट प्लस कर दिया। तो उम्मीद है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि उस अकाउंटेंट ने प्रीवियस ईयर में क्यों राइट ऑफ किया, हम जो चार्टेड अकाउंटेंट ने, हमने राइट ऑफ क्यों ऐड किया, ऐड बैक किया, उसे एक्चुअल कॉस्ट पर क्यों लेकर आए, ये सारी चीजें। अब देखो, ये जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के नजरिए से समझा दिया पूरा, सबसे पहले तो मैं इसे रफ कर दूं, ये पूरा जो मैंने आपको एग्जाम्पल की तरीके से समझा दिया, अब ये पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी, ताकि जिसको इतना हाई लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो बस इसे रट ले और कर जाए, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने के लिए, पूरी लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल वाइज, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता तो एक बार स्टेप्स देख ले और उसे याद कर ले और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो जल्दी जल्दी देखना, स्टेप वन, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इज रिटर्न ऑफ। क्यों रिटर्न ऑफ हुआ था मैंने बता दिया, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो रिटर्न ऑफ है, ठीक है, जो मैंने बताया ही था 1000 से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एड बैक द अमाउंट विच वॉज रिटर्न ऑफ, जो भी अमाउंट रिटर्न ऑफ था यानी कि 1000 रुपए, वो आप क्या करेंगे, एड बैक क्लोजिंग स्टॉक में। स्टेप नंबर टू, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही ओपनिंग स्टॉक होगा, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था 9000, जिसमें हम ऑलरेडी एड बैक कर चुके हैं 1000, यानी कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 10000। फिर आपको थर्ड स्टेप करना है, जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है दैट इज 10000, उसको नॉर्मल और एबनॉर्मल में बाइफरगेट करना है। तो एबनॉर्मल अपन को गिवन थी कॉस्ट 3000, तो नॉर्मल हो जाएगा 7000, ठीक है। इसको मैंने बताया भी है कि कैसे करना है, एबनॉर्मल आइटम जो भी पुअर सेलिंग या स्लो मूविंग आइटम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट गिवन होगी। नॉर्मल आइटम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो टोटल ओपनिंग स्टॉक है उसमें से एबनॉर्मल वाले की कॉस्ट माइनस कर दो 3000, तो ये आ जाएगा 7000। अब मैं थोड़ा स्पीड अप में हूँ क्योंकि ये लास्ट समराइज है और कुछ नहीं। स्टेप नंबर फोर में आपको सेपरेट करनी है सेल नॉर्मल और एबनॉर्मल में। एबनॉर्मल की कैसे आएगी, जो भी पोर्शन बिका था, पोर्शन कितना बिका था 1500, उसकी एक्चुअल कॉस्ट लेनी है और उसका लॉस कितना हुआ था 500, तो इसकी सेल आ जाएगी 1000। नॉर्मल की सेल कैसे आएगी, जो भी टोटल सेल दे रखी होगी उसमें से एबनॉर्मल सेल यानी कि 1000। स्टेप नंबर फाइव, जीपी आपको लगाना है, जीपी आप लगाओगे परसेंटेज, ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या प्रीवियस ईयर से आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, वो आपको लगाना है, ध्यान देना, वो आपको लगाना है नॉर्मल आइटम पर, क्योंकि एबनॉर्मल तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। स्टेप नंबर सिक्स, लॉस ऑफ एबनॉर्मल आइटम, ये ध्यान देना, बहुत लोग भूल जाते हैं लॉस लिखना, तो वो इसलिए मैंने वो भी स्टेप में डाल दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको एबनॉर्मल आइटम का लॉस भी लिखना है। कितना था हमारे एग्जाम्पल में 500। लास्ट स्टेप नंबर फाइव आपको, सेवन आपको करना है, सेपरेट क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को भी सेपरेट करना है। नॉर्मल आइटम आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, एबनॉर्मल आइटम के मैंने दो तरीके बताई दिए, या तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, जैसे नॉर्मल आइटम निकाला है उसी तरीके से एबनॉर्मल आइटम निकाल लेना, या फिर आप और क्या कर सकते हो, जो भी एक्चुअल कॉस्ट थी दैट इज 3000, उसमें से कौन सा बिका था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 1500, जो पोर्शन बिका था वो कितना था 1500, यानी कि बचा कितना होगा 1500, ठीक है। तो या तो आप बैलेंसिंग फिगर से भी कर सकते हो, या फिर आप एक्चुअल कॉस्ट जो टोटल थी दैट इज 3000, उसमें से जो पोर्शन बिक गया उसकी कॉस्ट थी 1500, वहां से भी आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो। तो ये हो गए टोटल हमारे 6 स्टेप। तो ये कॉन्सेप्ट सेपरेशन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा एग्जाम्पल करके क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी समझा दिया है, साथ के साथ इसके सारे कॉन्सेप्ट सारे लॉजिक भी बता दिए। उसके बाद मैंने इसके स्टेप भी बना दिए हैं कि कुछ बच्चे जिसके अभी भी नहीं दिमाग में जा रहा है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता है एग्जाम में और मार्क्स लाना चाहता है, तो भी वो 7 स्टेप याद करके कर सकता है, ठीक है।
आज की क्लास बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। मैंने इतना सोचा नहीं था, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। और सीरियसली बताऊँ, इसमें बहुत बहुत टाइम लग गया, पहले इसके पूरे नोट्स प्रिपेयर करने में, पूरा कंटेंट तैयार करने में, उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट। तो जैसे कि एडवांस अकाउंट का आप लोगों को इतना अच्छा फीडबैक मेरे को मिला है, इतना अच्छा आप लोगों को पसंद आया है एडवांस अकाउंट के सारे चैप्टर, ये जो हमारी फर्स्ट कोशिश थी ग्रुप वन के अकाउंट्स के लिए, तो ग्रुप टू एडवांस अकाउंट में तो आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। ग्रुप वन का अकाउंट जो था, ये मेरा पहला कंटेंट था, तो मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि उतना ही लेवल का समझ में आ रहा है जो आपको ग्रुप टू एडवांस अकाउंट में आता है, वो लेवल क्या मैच हो पा रहा है, वो क्वालिटी कंटेंट क्या मिल पा रहा है, वो सारा फीडबैक प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे जाके और इम्प्रूव कर पाऊँ आगे के कंटेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ यू डिजर्व, एंड या सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो मतलब देख ही रहे होगे आप कि जो वॉच टाइम है अपना, जो बच्चे व्यूअर्स देखते हैं वो ज्यादा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम करते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।